अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी क्ले पॉट रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्ले पॉट में खीर रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, वो भी रमज़ान स्पेशल। इसे आप बंगाल का भी ट्रेडिशनल पायस रेसिपी कह सकते हैं, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, फर्स्ट मैं उनके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट मैंने एक गिलास के करीब चावल को ओवरनाइट भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया है। एक बाउल के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है और 50 ग्राम के करीब खोआ का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने खजूर के गुड़ का भी इस्तेमाल किया है। और मेन इंग्रेडिएंट में 2 लीटर के करीब मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। चावल ओवरनाइट बहुत अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। अब मुझे इसका अच्छा सा दरदरा पेस्ट तैयार करना है। मैंने मिक्सचर जार में चावल को डालकर इसका बहुत अच्छी तरीके से दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है परफेक्टली। उसके बाद क्ले पॉट को गरम कर उसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दूंगी। घी को बहुत अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। उसके बाद उसमें 2 लीटर के करीब दूध को ऐड कर देना है और उसे बहुत अच्छी तरीके से इस घी के साथ बॉयल आने तक उबालना है। उसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 दालचीनी और 2 इलायची, बीच से थोड़ा सा चीरा लगा कर इसमें ऐड कर देना। उसे भी बहुत अच्छी तरीके से दूध के साथ मिला लेना है। उसके बाद जो मैंने चावल का पेस्ट तैयार किया उसे भी इस दूध में ऐड कर देना है। याद रखना फ्रेंड्स, इसमें हमेशा 2 लीटर दूध में 1 गिलास के करीब ही चावल का इस्तेमाल करना, इससे खीर बहुत परफेक्टली तैयार होते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में खीर को बहुत अच्छी तरीके से पकाना है और इसे बार बार ढक कर ही पकाना है। मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रखा है। 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोल के देखूंगी, खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है और चावल भी हल्का गल चुका है। उसके बाद एक बाउल के करीब चीनी ऐड कर दूंगी और उसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फिर मैं इसमें खजूर का गुड़ ऐड कर दूंगी और उसे बहुत अच्छी तरीके से खीर के साथ मिला लूंगी। खजूर के गुड़ का स्वाद बहुत ही डिलीशियस होता है, ये खीर के टेस्ट को बहुत ही टेस्टी बना देता है। इसके बाद मैं कटे हुए काजू बादाम और किशमिश ऐड कर दूंगी और उसे भी खीर के साथ अच्छी तरीके से मिला लूंगी। खोए को छोटे छोटे पीस में अच्छी तरीके से काट कर मैं खीर में ऐड कर दूंगी और उसे बहुत अच्छी तरीके से खीर के साथ मिला लूंगी। खोए का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ये खीर के थिकनेस को गाढ़ी करती है और ये खीर को बहुत ही डिलीशियस बनाती है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट ढक कर रखूँगी। 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोल के देखूँगी, ये खीर बहुत ही गाढ़ी बन चुकी है। इसके बाद मैं इसमें 4 से 5 रेसे केसर के ऐड कर दूँगी। खीर को 2 से 3 मिनट केसर के रेसों के साथ बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। ये खीर कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। बंगाल का ट्रेडिशनल पायस रेसिपी और रमजान स्पेशल खीर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। ये खीर को आप ठंडा करके सर्व कर सकते हैं या फिर गरम गरम परोस सकते हैं। हलवाई और दुकानदारों से भी टेस्टी मैंने इस खीर रेसिपी को तैयार किया है, वो भी आधे घंटे में। अगर आपको मेरे ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मैं एक और नए रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।